हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे NSS के ऊपर। जैसे कि आप लोग देख पा रहोगे, एक नोटिस रिलीज़ की गई थी 29 अगस्त को NSS के ऊपर। एज इन टू NSS, ऑल स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी फैकल्टीज आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ वॉलंटियर्स फॉर नेशनल सर्विस स्कीम इन एकेडमिक ईयर 2021-22 इज़ ओपन। दोज स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड टू रजिस्टर्ड अंडर द NSS आइज इन टू यूनिट कैन फिल द गूगल फॉर्म ऑन द फॉलोइंग लिंक। ठीक है, तो गाइस आप लोगों को एक गूगल फॉर्म भरना होगा जिसका लिंक यहाँ पास आप लोग देख पा रहे होगे, और इसका लिंक जो है ना आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्टली गूगल फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को कैसे भरना है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ स्टेप बाई स्टेप। ओके, तो जो भी स्टूडेंट NSS ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और गूगल फॉर्म को कैसे भरना मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो गाइस, ये रहा आप लोगों का गूगल फॉर्म। आप लोग देख पा रहे होंगे नेशनल सर्विस स्कीम। ठीक है, इस प्रकार का आपका एक गूगल फॉर्म खुल के आएगा, और यहाँ पास आप लोग देख पा रहे हो गाइस नेशनल सर्विस स्कीम NSS आईज इन ट्यू, और एक व्हाट्सअप ग्रुप का आपको लिंक देखने को मिलेगा। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप जब गूगल फॉर्म भर लोगे उसके बाद आप ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पास आप लोगों का ईमेल आईडी शो हो रहा होगा। ठीक है, आप स्विच करना चाहोगे दूसरे ईमेल आईडी से, अगर आप इस गूगल फॉर्म को भरना चाहोगे तो आप स्विच कर सकते हो। ठीक है, स्विच अकाउंट का ऑप्शन है यहाँ पास, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, और जितने भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसमें आप लोगों को स्टार देखने को मिलेगा। ठीक है, रिक्वायर्ड यहाँ पास, जैसे ये रिक्वायर्ड है जो कि एकदम ज़रूरी है भरना। ठीक है, तो इसमें जो है ना स्टार लगा है, तो यहाँ पास आपको अपना नाम भरना है गाइस। ठीक है, तो आप लोग भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पास आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है अपना, और यहाँ पास आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ पास आपका जो ब्लड ग्रुप है उसको सही से भरना है। ठीक है, कुछ भी नहीं भर सकते आप यहाँ। ठीक है, आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका एक सर्टिफिकेट बनेगा आपको लास्ट में। ठीक है, तो उसमें आपका ब्लड ग्रुप वगैरह मेंशन रहेगा जो कि करेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पास आप लोग कैटेगरी अपना चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद अपने मदर का नाम डाल दीजिएगा, फादर का नाम डाल दीजिएगा। ठीक है, फादर्स मोबाइल नंबर मांगा गया है तो ये नेसेसरी है आपको भरना, तो आप लोग भर दीजिएगा। और कोर्स ऑफ स्टडी एंड सेमेस्टर, गाइस अभी तो आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो इस फॉर्म को आप जो है ना आफ्टर एडमिशन भी आप लोग भर पाओगे। ठीक है, इसका कोई लास्ट डेट फिक्स नहीं किया गया है, तो आप भर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पास डिपार्टमेंट अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आप लिखना पड़ेगा आपको कौन से डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद इनरोलमेंट नंबर इफ़ असाइंड, ठीक है, अगर आपका इनरोलमेंट नंबर मिल गया है तो आप यहाँ डाल सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पास जो है ना स्टार मार्क्स नहीं लगा हुआ है तो ये ऑप्शनल है। ठीक है, और यहाँ पास एड्रेस आपको डालना होगा, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जहाँ आप करेंटली रह रहे हो वहाँ का डाल दीजिएगा, या फिर आप परमानेंट भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डोमिसाइल स्टेट, ठीक है, तो आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो आप लोग यहाँ पास भर देना। नेशनैलिटी इंडिया डाल देना आप लोग यहाँ पास। ठीक है, और अगर आपका एडमिशन हॉस्टल में हो गया है तो अगर आप हॉस्टलर हो तो आप अपना हॉस्टल नेम और रूम नंबर भी डाल देना। ठीक है, और ईमेल आईडी आप लोग अच्छे से भर लेना। ठीक है, उसके बाद गाइस आप लोगों को जो है ना अपना एक लेटेस्ट फ़ोटो अपलोड करना होगा। ठीक है, फाइल फॉर्मेट शुड इन इमेज टाइप एंड राइट योर इनरोलमेंट नंबर एज ए फाइल नेम। ठीक है, तो आप जो भी आपका जो फ़ोटो होगा जो आप अपलोड करोगे उसका नेम जो है ना आपका इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब यार आप लोगों का जब एडमिशन हो जाएगा, आप लोगों का इनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, उसके बाद ही आप लोग जो है इसको इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पास आप ऐड फाइल में करके आप फ़ोटो अपलोड कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद अंडरटेकिंग में आप लोग यहाँ पास देख पा रहोगे, यहाँ दोनों में आपको ऐसे टिक मार्क करना होगा। ठीक है, यहाँ पास बताया गया है कि आप लोग जो है ना NSS की जो वैल्यूज़ है उसको उसका पालन करोगे। ठीक है, उसको जो भी आपको टास्क दिया जाएगा उसको मानोगे। ठीक है, उसके उसको बढ़ावा दोगे। ठीक है, और आपको मिनिमम जो है 120 आवर का यहाँ पास डिवोट करना होगा NSS को, NSS की एक्टिविटीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पास आप दोनों में टिक मार्क कर देना, उसके बाद आप लोग सबमिट कर सकते हो। और उससे पहले आप लोग जो है ना यहाँ पास इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर लेना, नहीं तो ये नहीं खुलेगा दोबारा से ये फॉर्म। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। तो गाइस ये था आप लोगों का NSS का फॉर्म। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे भरना है, क्या करना है।
और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।